तो हम इधर आए हैं इनके लिए गिफ्ट लेके, स्पेशल गिफ्ट है जो आपकी रजिया ने भेजा है, तो वो गिफ्ट हमने इनके हवाले करना है। साथ में मेरी बेगम आई है। तो व्यूअर्स हम जा रहे हैं, तैयारी कर ली हमने, तो बेगम साहब रुमाल लेके आ गई है। हाँ मेरी थी। उम्मीद करते हैं अभी ठीक होंगे। हमारी सुबह की रूटीन शुरू हो गई है, नाश्ता बन रहा है, बच्चे आ गए, थोड़ी सी देर हो गई, वो कल उधर गए थे तो जिसमें इतनी दर्द है कि बहुत ज्यादा इमोशनल में बैठ बैठ के हाल ही बुरा हो जाता है। मैंने कहती चल के पैदल ही चला जाए इससे बंद। अच्छा अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो ये जी हमारी आज की रूटीन शुरू हो गई है सुबह की, तो हमारे साथ साथ रहना है आपने। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिट फाट। उम्मीद करता हूँ आप सब बहन भाई भी ठीक होंगे। तो जी कल हम गए हुए थे, हमारी कज़न फौत हो गई थी वहाँ पर, तो कल हमने व्लॉग नहीं बनाया था, आज हम व्लॉग बना रहे हैं। तो हमारे साथ साथ रहना आप सब बहन भाइयों ने। तो आज हमने जाना है एक यूट्यूबर के घर, और उनका एक गिफ्ट सरप्राइज़ है, वो उनको देना है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और हमारी वीडियो आपने फुल वॉच करनी है। और सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ऐड के साथ वीडियो देखें हमारे। प्यारे बहन भाई, वो मेरा नाश्ता आ चुका है, ये देखें चाय का कप आ गया, इधर अचार आ गया, इधर आ गई जी मेरी रोटी, और इधर मनाहल, और ये बच्चे कर रहे हैं नाश्ता। भैया तो प्यारे बहन भाई, मैं नाश्ता करने लगा हूँ, ये मेरा नाश्ता आ गया, वीडियो फुल वॉच करनी है हमारी, और ऐड के साथ वॉच करनी है आपने। मैं अभी जा रहा हूँ दुकान पर, ये हेलमेट जो मैं लेके आया था चाचा लियाकत के घर से, कल हम गए थे, हमने जाना था मोटरवे रोड पे सी पैक पे, तो वहाँ पे हमने ये हेलमेट ज़रूर इस्तेमाल करना था, नहीं तो फिर चलान हो जाता है, तो इसलिए मैंने ये हेलमेट भी वापस करना है। तो मैं दुकान पे जा रहा हूँ, तो हमारे साथ साथ रहना है। प्यारे बहन भाई, ये मोटरसाइकिल है, ये बच्चों का सर है, जिस स्कूल में पढ़ते हैं हम आदरेहान वाले, ये उनका मोटरसाइकिल है, इनकी तारें टूटी हुई हैं, ये हम बना रहे हैं आज। आदरेहान ने किया छुट्टी स्कूल से, तो ये व्हील है इसका खोला हुआ हमने, जिसमें हमने तारें डालनी है, जैसे ये टूटी हुई है ना, ये देखें ये कितना गैप नज़र आ रहा है आपको, ये तारें इसकी टूटी हुई नहीं है, इधर तारें तकरीबन 10-12 तारें हैं जो इसमें हमने डालनी है। मैं जी चौक शुगर मिल पे आया हुआ हूँ, भाई अख्तर की दुकान पे, यहाँ से कुछ सामान लिया है। ये पापा तारें डाल दिया मोटरसाइकिल की, ये देखें अभी मैंने जी तारें इसकी डाल दी हैं, ये देखे ना, ये जो नई तारें मैंने डाली हैं, ये बहुत सख्त तार है, हार्ड है, सीधी नहीं होती, बहुत जोर लगा लगा के इनको डाला है, अब इनकी मैं कसाई करूंगा और ये अपने आप ही सीधी हो जाएगी। ये जो टेढ़ा ना ऐसे ऐसे चलता है, ये फिर सीधा हो जाएगा, तो फिर हम इसको फिट करेंगे। भाई आज मैं लेके आया हूँ सुहांजना, ये असलम भाई के घर से लेके आया हूँ, उसने काट के दिया, उसने कहा भाई अपना हिस्सा ले जाएँ, तो ये सुहांजना तोड़ रही है, उधर मेरी बेगम भी तोड़ रही है, और उधर मेरी सिस्टर भी तोड़ रही हैं, इसलिए मैं उनको नहीं दिखा रहा, तो सिर्फ ये सुहांजना आपको मैंने दिखा दिया है, वो हम लेके आए हैं। ये जी ये तोड़ के रख रहे हैं इधर। तो मेरे प्यारे बहन भाई, रोटी पक चुकी है दोपहर की, मैं भी घर आ गया हूँ, इधर आज हमने सालन बनाया जी, और इधर रोटी, और इधर बेगम बना रही है जी सलाद, जिसमें टमाटर है, और इसमें है जी बंद गोभी और खीरा, जिस बहन भाई ने खाना हो आ जाए। तो आप बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो जो है ना, वो आपने किसके साथ, ऐड के साथ देखनी है, ऐड आपने लाजमी वॉच करना है। हम जी खाना खाने के लिए तैयार हो गए हैं, दोपहर का खाना है, तैयार हो गया, हम नहीं तैयार हो गए, खाना तैयार हो गया, ये सलाद है, देखे ये कौन सा, टमाटर, खीरे और गोभी दिखाया था, ये है पानी, और इधर बैठ गई मम्मा, इधर आ गई जी रोटी, और इधर आ गया सालन, सालन का ढक्कन, सालन का ढक्कन उठाओ ना, हां तो मेरा पोता मेनू बहुत तंग करता, कह रहा अच्छा पोता हां, हुआ हां मेरी थी, तैयार ला मेरा, अलग ये मेरी मम्मा है, अलग तो एक आ रहा ये मेरी मम्मा है, अलग तुम खा दे, आमीन हम खाना खाने लगे हैं, खाना जो आज पकाया, कितने तो 2-3 दिन के बाद हम इकट्ठे बैठ के खाना खाने लगे, दोपहर का 2 दिन हो गए, कल भी नहीं खाया, परसों भी नहीं खाया,
परसों बस समोसे खाए थे जो आप ही नहीं भेजे थे। वो तो पार्टी बनाई थी ना, वो तो गेम थी। तो जिस बहन भाई ने खाना हो आ जाए, तो खाना खा के हमने जाना है फिर एक यूट्यूबर के घर, उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है हमारे पास, वो सरप्राइज हमने उनको देने जाना है, गिफ्ट सरप्राइज है उनका, वो यूट्यूब फैमिली है वो, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे वो कौन सा चैनल है, उस पर हम जाना है जिसके घर हमने। तो आए जी आप उधर मुँह करके थोड़ा सा। हाँ मैंने बताया बहन भाई पे खाना खाने लगे, जिस बार मैंने खाना खाना आ जाए हमारी वीडियो को केस के साथ ऐड के साथ देखा करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जिस बार मैंने खाना खाना आ जाए इतना कहना, हमको तो बुलाया ही नहीं। अरे बहन भाइयों ये देखें, ये हमने सुहाइना कुछ तोड़ा है, एक घंटा लगाया ऐसे ना, इससे उतारते हैं जैसे ये उतरे हुए हैं ना, ये देखें एक एक फूल करके इससे उतारते हैं, बहुत मेहनत लगती है इसको सफाई करने में। ये देखें जैसे ये है, इसको सफाई करेंगे तो फिर ये इंशाल्लाह साफ़ सुथरा हो जाएगा, फिर पकाने के काबिल होगा। ये बच्चे भी लगे हुए थे, मैं भी लगा हुआ था ना, देखो बैठा हुआ है इधर, डॉक्टर साहब ने सामान बिखेरा हुआ है अपना। हमारे व्यूअर्स तो हम जा रहे हैं, तैयारी कर ली हमने, तो बेगम साहब रुमाल लेके आ गई हैं, तो हम जा रहे हैं जी इन्ना खलील फैमिली लोग के पास। अरे बहन भाई हम घर से निकल आए हैं, हमने तैयारी कर ली है, ये खड़ा हमारा मोटरसाइकिल, और ये हमाद और नाहिल और रेहान भागे आ रहे हैं, इधर हमारा खड़ा है हमाद अहमद। नहीं हम जा रहे, प्यारे बहन भाई हम जा रहे हैं, हम चक नंबर वन भी क्रॉस किया है और उसके बाद फिर दो चक भी हमने क्रॉस कर लिया, और ये भी हमने जा रहे हैं अपने सफर की तरफ रवाना रवाना है। ये माशाल्लाह बहुत ही सर सब्ज इलाका है हमारा, ये देखें चारों तरफ गंदम ही गंदम आपको नजर आ रही है, और ये इधर है जी कॉटन फैक्ट्री है एक, और इधर एक बेलना लगा हुआ है जहाँ पे गुड़ वगैरह बनाते हैं, और मशीन है। इस तरह से माशाल्लाह बहुत सर सब जगह है, गंदों में चारों तरफ, इधर गन्ने के खेत है, और ये सामने गन्ने की ट्राली आ रही है मेरे, ये देखिए कैसे धुमाई धुमा के एक आगे भी बहुत गलत रास्ता है, ये रोड सिंगल रोड है। ये देखें माशाल्लाह गाय वगैरह इधर फिर रही है, सिंगल रोड है, और फिर गन्ने का राशा सीजन है तो बहुत खराब रास्ता। अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बहन भाइयों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एमिन खलील वालों के घर हमने जाना है, उनके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है वो हम लेके आए इनके लिए, तो ये एमिन आप ही है। अस्सलाम वालेकुम आप ही। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? ठीक है बच्चे माशाल्लाह, क्या नाम बेटा आपका? साकिब महमूद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, आपका नाम क्या बेटा? आके महमूद, माशाल्लाह जी। और ये इस आपी का नाम क्या है जी? उज़मा भाभी जी, माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, क्या हाल है? ठीक है जी, माशाल्लाह। उज़मा जमील के नाम से, ठीक है जी। चलो जी ये घर है जी एमिन खलील वालों का, ये गेट है इधर, और हम इनके घर आ चुके हैं, ऑलरेडी पहुँच चुके हैं घर, माशाल्लाह बहुत प्यारा घर है। आए हुए हैं एमिन खलील वालों के घर, ये बैठे हैं जी खलील भाई हैं जी, और इधर है जी एमिन भाभी, और ये इनके बच्चे हैं दो। तो हम इधर आए हैं इनके लिए गिफ्ट लेके, एक स्पेशल गिफ्ट है जो अमेरिका से आया है, आपकी रजिया ने भेजा है, तो वो गिफ्ट हमने इनके हवाले करना है, तो साथ में मेरी बेगम आई है, तो आप बोले जी बैठी है जी, ये बोलती कम, मेरे का थोड़ा गले का मसला है तो ये कम भी बोलती है। आप ही ने मुझे भेजा है कि आप साथ जाए, आप ही ने मुझे साथ में था स्पेशल कि जाए आप, और आप इमन आप ही को गिफ्ट देना है आपने, क्योंकि वो अपनी कोई चीजें जो जरूरत की होती है वो ले ले जी। तो आप ही का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे, ये देखें जी माशाल्लाह एक, ये दो, ये तीन, और ये चार, ये है जी 20,000 रुपया है जी, ये ले जी एक एक नोट करके आप ले जी, ये ले और साथ ही का शुक्रिया भी कर दे, हाँ जी इसने आपको इतना बड़ा गिफ्ट दिया है। 20,000 रुपए हमने गिन के इमन आपी को दे दिया है। हाँ जी बिल्कुल, ये 20,000 रुपए भाई ने दे दिया है। अम्मी जी थैंक यू मेहरबानी, आपसे तो बात रोज भी होती है लेकिन आपने बताया नहीं है कि हमारे लिए क्या सरप्राइज है, कौन लेके आने वाला है। थैंक यू जी, वो बता देते तो सरप्राइज और गिफ्ट का। अम्मी जी रोज ही बात करती हो आप लेकिन बताती नहीं हो।
अभी कहते तो अपना तवा जरूर ले लेना। हाँ जी बिल्कुल ले लेंगे। टील भाई हमें इजाज़त चाहिए, हम घर जाना चाहते हैं। आप सब बहन भाई को बहुत मेहरबानी, आपने हमारी खिदमत की और हमें जनाब खाना शाना अच्छा खिलाया माशाल्लाह इन्होंने। तो ये उज़्मा भाभी हैं जी, उज़्मा जमील, इनका भी चैनल है। आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि इनके चैनल पे जाएं और उनको सपोर्ट करें। उधर जी एमन भाभी हैं जी, तो हम इनसे इजाज़त चाहते हैं। अच्छा जी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, यहाँ तशरीफ लाए। बिल्कुल, ये जी इनके जानवर हैं और एक गाय है और उसका बछड़ा है। और इधर हैं जी एमन भाभी की बेटियाँ जी, ये एमन भाभी की बेटियाँ हैं या जमील की हैं? ये खलील की भाई की हैं। आप किसकी हैं? और खलील की है। एमन की हैं या खलील की हैं? दोनों की। माशाल्लाह, नाम क्या बेटा आपका? महनूर। बेटा माशाल्लाह बहुत प्यारी बेटी है जी, अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे। अब साहब बहन भाई उन्हें इनके चैनल पर विजिट करना है, एमन खलील और उज़्मा जमील, दो चैनल हैं जी इनके। तो हम अभी इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़ जी। बच्चे नहीं लेकर आए, ये बेर लेकर जाएं। चलो जी, ये जी हमें एमन भाभी ने जी हमें बेर दिए हैं बच्चों के लिए जी। हाँ जी, तो ये जी हम गिफ्ट लेके जा रहे हैं इधर से, एक गिफ्ट हम इनको दे के गए हैं, दे के जा रहे हैं, एक गिफ्ट लेके जा रहे हैं, ये गिफ्ट हम लेके जा रहे हैं जी। बेर आपने बच्चे साथ नहीं लाए ना, इसलिए बच्चे भाई वो स्कूल से आए थे, उन्हें होमवर्क करना था, आपको पता है कि अब किताब उनके क्लासें बड़ी हो गई हैं आजकल, जो है ना क्लासें बड़ी हो गई हैं और वैसे भी जो है ना थोड़ा सा सख्ती हो गई है। चलो ठीक है जी, इंशाल्लाह जी फिर मिलेंगे, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे प्यारे बहन भाई, हमने अपना मोटरसाइकिल बाहर निकाल लिया है, ये देखें जी माशाल्लाह जी मोहाल मवेशी खड़ा है इधर, और वो देखें जी देहाती माहौल है जी, बिल्कुल ये टोटली देहात का माहौल है। और इधर जनाब लोगों ने लगाया हुआ है पानी, ये क्या गन्ने की फसल बो रहे हैं इधर, तो नहर भी है साथ, बड़ी नहर है। और ये गधा रेडी पे पानी लेने के लिए जा रहे हैं, इधर इधर खड़े हैं जी खलील भाई। हाँ जी। और एमन आपकी? हाँ, मैं अली भाई मिल। तो हम जा रहे हैं, इधर बेगम बैठी है और ये इधर पड़ी है जी मिल की मैल है, मड इसको बोलते हैं, ये लोग जानवरों को खिलाते हैं इनको। तो मेरे प्यारे बहन भाई, हम घर पहुँच चुके हैं, उधर से आ गए हम एमन खलील वालों को घर से, उनको हम गिफ्ट सरप्राइज देने गए थे वो हमने उनको दे दिया। तो ये देखें जी हम घर पहुँच चुके हैं, थक गए हैं जी, इधर फाइनल लगा हुआ है जी। तो आज की हमारी वीडियो इतनी है जी, आज की हमारी वीडियो इतनी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उतनी देर के लिए जाते हैं, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, बाय बाय।